जूतों से मार कर उसे बीच चौराहे पर टांग देना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानता वो क्या लोकसभा के चुनाव में खड़ा है? उसे तो हटाया जाना चाहिए सबसे पहले, उसकी जो लोकसभा की प्रत्याशी बने उनको हटाना चाहिए। क्या बोल दिए थे वो? उन्होंने जो बोला वो आप सभी जानते हैं। हम नहीं चाहते कि इतने गंदे शब्द उनके महिलाओं के लिए जो उन्होंने निकाले उसे हम दोहराएं। और हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पूजनीय मायावती और आदरणीय डिंपल यादव कब मीडिया के सामने आकर और भर्त्सना करेंगे इस चीज का और आजम खान से माफी मांगने को कहेंगे। लेकिन सिर्फ माफी मांगने से अब काम नहीं चलने वाला, उन्हें अपने शब्द बोलने से पहले सोचने चाहिए थे। और उन्होंने बोले भी क्या, जैसी उनकी सोच है घटिया और नीच सोच के पंचायत बने आज।